Hello my dear students, welcome to Science Adhyayan. So in this video we are going to watch answer keys for class 9th NSO, and this is set C paper which was asked this year. So watch this video till the end. Now before starting this video, if you are new in our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get all notifications for further videos. And if you have any doubt, you can ask in the comment box or on my Telegram channel. So in this video we are going to solve chemistry questions. So first question is, Mr. Rahul, a science teacher, performed the experiment as shown below. Select the correct statement regarding it. Option number A, the reaction will occur in beaker 1 and not in beaker 2. Option number B, the reaction will not occur in both the beakers. Option number C is, the reaction will not occur in beaker 1 but will occur in beaker 2. And option number D is, the reaction will occur in both the beakers. तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दो बीकर दे रखे हैं और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पर ये फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें हमने क्या मिला रखा है, ये कॉपर है, वहीं पे यहाँ पर क्या है, ये ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट है, और इसमें क्या है, ये एल्युमिनियम मिला रखा है हमने। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है कॉपर जो है वो क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से क्या होता है, नीचे होता है, इसलिए जो है ये आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो बीकर वन में रिएक्शन ये नहीं होगी। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या होता है, यहाँ पर ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट दे रखा है, तो एल्युमिनियम क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से क्या होता है, ऊपर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या करेगा, जिंक को जो है डिस्प्लेस कर देगा ZnSO4 से, और यहाँ पर बच जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि बीकर टू में रिएक्शन हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, द रिएक्शन विल नॉट अकर इन बीकर 1 बट विल अकर इन बीकर 2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू इज, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.82, इफ द आइसोटोपिक मासेस ऑफ B10 इज 10.013 एंड दैट ऑफ B11 इज 11.009, देन द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स इज रेस्पेक्टिवली ऑप्शन नंबर 80.1% एंड 19.9%, ऑप्शन नंबर बी 11% एंड 89%, ऑप्शन नंबर सी 20.98% एंड 79.02% एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10.001% एंड 89.9%। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है बोरोन का 10.8U, यहाँ पर आइसोटोपिक मास दिए हुए हैं B10 एंड B11 के, इतने दे रखे हैं यहाँ पर, तो हमसे यहाँ पर जो है रिलेटिव एबंडेंस पूछी है इन दोनों ही आइसोटॉप्स की। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर B10 हम मान लेते हैं कितना x, और वहीं पे B11 हम मान लेते हैं 1 - x, तो एवरेज यहाँ पर दे रखा है हमको, एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है 10.8U, तो एवरेज निकालते हैं हम किस तरह से, तो ये इसका फॉर्मूला है टोटल अपॉन यहाँ पर जो है इन दोनों का ही जो हमने एक्स और कितना माना है 1 - x, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर B10 दे रखा है, यहाँ 10.013 इंटू एक्स प्लस 11.009 इंटू 1 - x, क्योंकि हमने 1 - x यहाँ पर माना है, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, x - x यहाँ जो दिया है दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये किसके इक्वल है यहाँ पर, तो एवरेज एटॉमिक मास हमको दिया है 10.8, तो यहाँ पर इसे लिख लेंगे। इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू निकल करके कितनी आ जाएगी, 0.209 आ जाएगी, तो इसे जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.9% आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसके अलावा जब हम इसको 11 से यहाँ पर जो है इसको हम 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 79.02%, जो कि क्या हो जाएगा, B11 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इनकरेक्ट मैच, ए हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम आउटरमोस्ट जोन, बी कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन नंबर सी लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम डार्क जोन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन इज मिडिल जोन। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट मैच बताना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो बाहर का जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस पार्ट, जो कि हॉटेस्ट पार्ट होता है, उसके बाद जो है ये बीच का जो पार्ट होता है जिसे कि मिडिल जोन बोला जाता है, ये क्या है, इसे ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, और सबसे अंदर का जो जोन होता है वो क्या होता है, डार्क जोन होता है, जो कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये इनर मोस्ट जोन होता है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे कम जो है यहाँ पर हीट होती है, बीच वाले में ये मॉडरेटली हॉट होता है, तो लिस्ट हॉट होता है हमारा ये डार्क जोन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर जो है ये इनकरेक्ट मैच है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम दे रखा है आउटर मोस्ट जोन, ये सही है, कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर ल्यूमिनस जोन, तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि ये जो इनर मोस्ट जोन होता है यहाँ पे अनबर्नड वैक्स पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम डार्क जोन, ये भी सही है। जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पर मिडिल जोन जो है ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन, आवर पाम फील्स कूल व्हेन एसीटोन इज स्पॉइल्ड ओवर इट। स्टेटमेंट टू, द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन लोज एनर्जी टू द पाम और टू द सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट काउजिंग द पाम टू फील कूल। ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दो स्टेटमेंट हमको दे रखा है, हमसे क्या पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, आवर पाम फील्स कूल व्हेन एसीटोन इज स्पिल्ड ओवर इट। तो ये बात सही है, क्योंकि जब हम एसीटोन को अपने जो है ये पाम हथेली पर जब है इसको हम स्पिल करते हैं तो क्या होता है, हमको ठंडे जो है ये ठंड फील होती है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन लूज एनर्जी टू द पाम। तो ये बात भी सही है, एसीटोन क्या होता है, ये वोलेटाइल नेचर का होता है और जल्दी से क्या होता है, ये क्विकली क्या होता है, ये इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर पाम पे हमको कूल फीलिंग होती है। तो इसका ये स्टेटमेंट वन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, तो ये यहाँ पर जो है ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव इज मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन कोट्स। कॉलम वन में क्या दे रखा है, पी यूज्ड फॉर मेकिंग टूथब्रश ब्रिस्टल्स, रॉब्स फिशिंग नेट्स ईटीसी, क्यू यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस, आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉकेट्स स्विचेस ईटीसी, एस यूज्ड टू मेक यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन। कॉलम टू, वन टेफ्लॉन, सेकंड मिलेमाइन, थर्ड नायलॉन, फोर्थ इज बेकेलाइट। तो यहाँ पर जो है हमसे क्या किया है, यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर जो है मैचिंग पूछी गई है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, पी दे रखा है यूज्ड फॉर मेकिंग टूथ ब्रश बिस्टल्स रॉब्स फिशिंग नेट्स इटीसी। तो इस किससे बने होते हैं, नाइलॉन के बने होते हैं। तो पी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का यहाँ पर जो है ये थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्यू दे रखा है यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, तो ये टेफ्लॉन के बने होते हैं, यानी कि क्यू का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आर दे रखा है यूज्ड फॉर मेकिंग सॉकेट स्विचेस इटीसी, तो ये किसके बने होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो नॉन कंडक्टर यानी कि जो बेकेलाइट होते हैं वो उसके बने होते हैं, तो आर का क्या हो जाएगा, फोर। उसके बाद एस दे रखा है यूज्ड टू मेक यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन, तो यहाँ पर जो मिले माइन जो है यहाँ पर जो है ये यूनिफॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो एस का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है वो इसका जो है यहाँ पर करेक्ट मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एन आयनिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट ई एंड ब्रोमीन हैज द फार्मूला ई बी आर टू, द मॉलिकुलर मास ऑफ ई बी आर टू इज 184, व्हाट विल बी द मॉलिकुलर मास ऑफ द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ई, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 80। ऑप्शन नंबर ए 37, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 56 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 40। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक आयनिक कंपाउंड दे रखा है एलिमेंट ई एंड ब्रोमीन का, तो इसका फार्मूला यहाँ पर दे रखा है ई बी आर टू, उसी के साथ में यहाँ पर जो ई बी आर का जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है वो दिया है 184। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो एलिमेंट ई है उसका जो ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर जो है एटॉमिक मास मान लेते हैं ई का, क्या एक्स, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको मान लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ई बी आर टू का 184। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी एलिमेंट का तो वो क्या होता है, तो जितने भी उसमें एटम्स होते हैं उनका जो सम होता है एटॉमिक मास का, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के। तो ई बी आर टू का क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक मास ऑफ ई प्लस यहाँ पर ब्रोमीन के कितने एटम है, टू, इसलिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन को इक्वल टू 184। तो ब्रोमीन का कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 80 दे रखा है, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो एक्स प्लस 2 इंटू 80 इक्वल टू 184। तो इस तरह से एक्स निकालेंगे, यानी कि ई का जो है यहाँ पर जो है एटॉमिक मास निकालेंगे, तो कितना निकल करके आएगा, ये 24 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ई बी आर टू दिया हुआ है, यानी कि जो है ई की जो वैलेंसी है यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो ऑक्साइड में भी क्या होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, -2 होती है। तो ऑक्साइड क्या हो जाएगा यहाँ पर एलिमेंट ई का, तो ई ओ हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जब हम इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ ई प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर, 16 होता है, वहीं पर जो है यहाँ पर हमने अभी 24 निकाला ई का। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे
तो टोटल कितना निकल करके आ जाएगा ईओ का मॉलिकुलर वेट, तो 40 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।